शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। पापा, स्टेशन से हवेली आड़े तक जो बापू मारे को चीची वास्ते नफरत दिखा रहे थे, वो सब झूठ था, दिखावा था। रसाल, पिछले 4 सालों में मारे को लागियो कि आप बदल गए होंगे। अभी रास्ते में आपसे बात करते हुए मारे को लागियो कि आप बदल गए, पर अब मारे को लागे है कि आप भी चीची के रंग में रंग गया। घरवाड़ों के सामने इन्हें डांटने को दिखावो करो और अठे एकले में आकर इन्हें डांटने वास्ते इनसे माफी मांगो। अरे भली रुक्मी ने आज दिन तक जो भी कुछ किया है, पर है तो यह हमारी छोरी। अरे घर वाले तो बरसों से उसे गलत ही समझते आए हैं, पर आज हमारे साथ में इसे फिर से हवेली से भेज रहे हैं। अरे बाप होने के नाते ऐसे समय में मैं इसका साथ ना दूंगा तो कौन देवेगा? मैं भी तो आपकी छोरी हूँ ना, पर मारे वास्ते आपकी कभी ऐसी भावना ना हुई। अरे तूने मारी भावना तो समझना ही छोड़ दिया है, तो कैसे महसूस करेगी मारी भावना को? मारी भावना कभी तुम दोनों के वास्ते अलग ना थी, अब ना ही कभी हो सके। पापा, अब तो आप मारी आंखों के सामने झूठ बोलने लगे। स्टेशन से हवेली और हवेली से इस कमरे तक चीची वास्ते आपको बदल तो रूप देखकर मैं खूब समझ गई कि मारे वास्ते आपकी भावना के है। अब तो मारे को आपको पापू कहते हुए भी शर्म आवे। ऐसा ना बोल रसाल, पापू ने कभी हम दोनों के बीच कोई फर्क ना किया है। ये आप बोलो, आप पापू ने जी हम दोनों के बीच फर्क कियो है ना, जब मैं आपको गिड़वाने बैठ जाऊँ तो पूरा दिन निकल जावेगा और मैं जानू हूँ कि ये फर्क कभी खत्म ना होवेगा। हमारे को आप दोनों के सामने ज्यादा देर रहने को कोई शौक ना है, और वैसे भी जीजी इस हवेली में सिर्फ गोविंद के जन्मदिन तक रहने वाली है। इस वास्ते यही अच्छा होगा कि मैं वो करूं जिस वास्ते हमारे को अट्ठे बुलाया गया है। पर मैं जानू रसाल थारे को समझने की बजाय थारे से और नफरत करने लगी। वो भले ही भारे से नफरत करे बापू, पर आपको भी बापू ना कहने की बात बोल गई। रुक्मी, रुक्मी तुम रो क्यों रही हो? बापू आपने बताया ना रुक्मी को कि हमारी बात हो चुकी? अरे वो रसाल आ गई थी। ओ, अब समझा कि रुक्मी रो क्यों रही है। बस अब कुछ ही दिनों की बात है रुक्मी, रसाल और तुम्हारे बीच के सारे किले शिकवे दूर हो जाएंगे, लेकिन तब तक तुम्हें रसाल के कुछ और दिन ताने सुनने होंगे। सहलोगी ना? अच्छा, अब हम लोग यहाँ इस कमरे में इतनी देर तक बात नहीं कर सकते। बापू, जो भी कुछ मैंने आपको फोन पर बताया था सब याद है ना? हाँ हाँ, एक एक शब्द याद है। ठीक है, तो फिर अब हमें अपने अपने तरीके से गोविंद के जन्मदिन तक दीप भाई साहब को एक्सपोज करने की प्लानिंग जारी रखनी है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम तीनों एक हैं। चलता हूँ। बेटा देख, थारे को ये पसंद है ना? पर मैं मासा के हाथों से खाऊंगा। गोविंद, मैं ही थारी मासा हूँ। ले। नहीं, अब मेरी मासा नहीं हो, मेरी मासा रुक्मी है, मैं उनके हाथ से ही खाऊंगा। मासा 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 मासा, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे भूख लगी थी। जी इतनी ही भूख लगी थी तो रसाल मासा के हाथ से काई ना खाया?
मैं आपके सिवा किसी के हाथ से नहीं खाऊंगा। दादी साथ से कहानी भी तो सुननी है ना। कहानी सुनते सुनते सो गया तो? अरे बाबा, जे तू सो गया तो मैं थारे को गोदी में उठाकर अपने साथ ले आऊंगी। बस अब जा। अरे अरे रुक रुक, क्या है मासा? प्रसार मासा को प्यार ना करेगा? शरारती हो गया है गोविंद, इसकी तरफ से मैं थारे से माफी मांगूं। हारे छोरे के बर्ताव वास्ते आपको हमारे से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी इसमें गोविंद की कोई भूल ना है। रसाल, हारे से क्या गलती हो गई? मैंने तो थारे को वचन दिया था ना कि मैं गोविंद की सगी माँ बनूंगी, और आपने अपनों वचन खूब निभाए। गोविंद की सगी माँ बनकर और मारे को अपने ही छोरे की सौतेली माँ बनाकर मसाल आपने सचमुच मारे को मारे छोरे से मीलों दूर कर दी हो। पर यही तो चाहती थी आप, इसीलिए गोविंद की जिम्मेदारी लेने वास्ते इतनी उतावली हो रही थी आप। पर मैं फिर से एक बार गिली हो गई कि आपके आंसुओं से धोखा खा गई। मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हारे छोरे के भाग्य में भी सौतेली माँ को छल कपट ना आवे, और आपने अपने आप को साबित करने वास्ते कान्हा की मूर्ति के सामने प्रण लियो था कि गोविंद के प्रेम के खातिर आप अपनी कोख कभी ना भरने देवेंगी, कभी अपने बच्चे को जन्म ना देवेंगी। थी कि आपकी चाल है हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मारे से छीनने की, हमारे अपने छोरे की सौतेली माँ बनाने की। ये तो कहते रही है रसा, वही जे सच है। पर आपके इस स्वार्थ को भगवान देख रही हो, उसकी लाठी में आवाज ना है। पर अब समय आ गया है सच सामने आने का, अब भगवान हिसाब करेगा। हारे को उसके न्याय पर पूरा भरोसा है। मैं भी यही चाहूंगी सर, कि सच्चाई सबके सामने आ जाए, भगवान सबके साथ न्याय करे। हमने भी भगवान के न्याय पर पूरा भरोसा है। आपको साबित करने वास्ते कान्हा की मूर्ति के सामने प्रण लियो थो कि गोविंद के प्रेम के खातिर आप अपनी कोख कभी ना भरने देंगे, कभी अपने बच्चे को जन्म ना देंगे। रुक्मी जी, क्या कर रहे हो? कुछ ना, सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, इस तरह से दवाई ले रही थी। तो ऐसे छुप कर खाने की क्या जरूरत थी?
आपके सामने खाती तो आप परेशान हो जाते हैं ना, इस वास्ते। तुम भी नहीं, जितना ख्याल तुम मेरा रखती हो ना, उसको अगर आधा भी अपना रख लो, वक्त पर आराम करो, तो ये सब दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सालों से रुक्मी प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए गोलियां खाती रही, यानी रुक्मी मुझसे हर बार झूठ बोलती रही, कभी पेट दर्द का बहाना बनाकर और कभी सर दर्द का, और इसीलिए हमेशा डॉक्टर के पास जाना भी टालती थी। सबके ताने सुनती रही कि वो बांझ है। इसलिए तुमसे पूछने आया था, ये तुम्हारी सरदर्द की दवाई क्यों बोला झूठ मुझसे रुक्मी? अब नजरें क्यों चुरा रही हो रुक्मी? इतने सालों तक मेरी आंखों में देखकर तुमने मुझसे झूठ बोला है, धोखा दिया है तुमने मुझे। हरि को माफ कर दो ठाकुर साहब, कोई धोखा ना दिया था। मैंने एक फैसला लिया था जो सबकी भलाई वास्ते था। मुझे बिना बताए रुक्मी हर प्यार करने वाले की तरह मेरा भी यही सपना था कि हमारे प्यार की निशानी हमारा बच्चा तुम्हारी गोद में खेले, पर तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया बिना मुझसे पूछे, क्यों रुक्मी? आप तो जानो ना ठाकुर साहब, फैसला ने कैसे जिद पकड़ रखी थी। वो गोविंद को अपने साथ लेकर जाती तो ना विक्रम खुश रह पाता और ना आप। इसलिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया? मैंने जीवन में यही सीखा है ठाकुर से कि हर खुशी की कीमत चुकानी पड़े। इसका मतलब गोविंद की मां बनने के लिए तुमने सबके सामने बांझ बनकर रहना मंजूर कर लिया, सबके ताने सुनती रही। जे मरने लगा होता कि आप हमारे इस फैसले में शामिल ना हैं, तो मैं कभी ऐसा ना करती ठाकुर साहब। आपकी खुशी हमारे वास्ते सबसे बढ़कर है। आपको याद है, आप ही ने एक दिन हमारे से कहा था कि जे मैं मां ना बन सकी तो आप गोविंद के साथ ही खुश रहेंगे, उसी को अपना वारिस मानेंगे। अगर हमारा बच्चा नहीं भी हुआ तो रसाल और मेरा बच्चा है ना, रसाल उसे यहाँ छोड़कर जाती है तो हम उसे माँ बाप का प्यार देंगे। जब मैं गोविंद की मासा हूँ तो मैं बांझ कैसे हो सकती हूँ ठाकुर साहब? लोगों का क्या है, वो तो भला करने पर भी बोले हैं और बुरा करने पर, इसलिए लोग के बोले हैं इस बात की मैंने परवाह ना है। आप के सोचो हो ये हमारे वास्ते जरूरी है ठाकुर साहब। मैंने आपसे ये बात छुपाई रखी, इस वास्ते मैं आपसे माफी मांगू। मैं आपका खालचा दुखाना ना चाहती थी। तुम सचमुच देवी हो रुक्मी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। काश कि तुम्हारा ये सच रसाल देख पाते। जब आप दीप भाईसा की असलियत सबके सामने लाएंगे ना, तो रसाल अपने आप सबको समझ जाएगी। मैं जानू हूं अपनी बहन को। ठाकुर साहब, दोबारा कभी ना कहना कि मैंने आपको धोखा दिया। ये शब्द सुनकर काल जादू के हमारा नहीं कहूं, कभी नहीं कहूंगा। एक बार इसी शब्द ने
तुम्हारे को आपसे दूर किया था। अब कभी दोबारा चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम झुंझुने हैं। वाह मामा साहब वाह। छोटे वाटे क्यों खड़ा है, आजा अंदर आजा। भाई साहब मन बहुत उदास हो रहा था भाई साहब, इसलिए सोचा कि आपसे बात करके थोड़ा मन हल्का हो जाए शायद। अरे छोटे बैठ आ जाओ, आ जाओ बैठ जा। मामा साहब हम दोनों भाइयों को अकेला छोड़ दो, मारे छोटे का मन ठीक है। श्योर श्योर ऑल योर्स। छोटे थारे मन में ये बोल दे, संकोच ना करना। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं भी थोड़ी शराब पी लेता हूँ, शायद फिर कुछ बोल पाऊँ। बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई साहब, औरत पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। वो सिर्फ घर बर्बाद करना जानती है, फिर चाहे वो पद्मा भाभी सा हो या रुक्मी। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है भाई साहब, अब मैं भी आप ही की तरह अकेला रहूंगा हमेशा। ना मुझे रुक्मी चाहिए और ना गोविंद, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने गोविंद को अपने पास रखा ना तो रुक्मी को एक बहाना मिल जाएगा मेरे पास रुकने का। इसलिए मैंने फैसला कर लिया भाई साहब, मैं गोविंद को विक्रम और असाल के पास भेज दूंगा ताकि रुक्मी दोबारा कोई चालाकी ना कर सके। छोटे मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया, गोविंद कट्ठे से जाना ठीक रहेगा, वरना रुक्मी का उसका तो कुछ भरोसा ही ना है। बिल्कुल सही फैसला लिया तूने छोटे, लेकिन इस फैसले पर टिके रहना, बदलना ना। और जे भी हो थारे भाई थारे साथ है। जानता हूँ भाई साहब, एक आप ही तो हैं जो मेरे बारे में मुझसे ज्यादा सोचते हैं। अरे छोटे तुम्हारा भाई है और मैं थारे साथ ही हूँ, और मैं थारे से घना प्रेम करूँ, इसलिए तो मैं इतना परेशान हूँ भाई साहब। क्यों? मैं जानता हूँ भाई साहब कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। छोटे क्या देखा तूने, खुलकर बताना। हाँ भाई साहब आपको तो जरूर बताऊंगा, एक आप ही तो हैं जो मुझे अच्छी तरह समझ सकते हैं। घर वालों को अगर ये सब मैंने बताया ना तो वो तो मुझे पागल समझेंगे। छोटे क्या देखा तूने सपने में? मैं छोटे छोटे वैसे थारे कुछ भी बोलने से पहले मैं थारे को एक बात बता दूं कि तूने सपने में चाहे जे भी देखा हो मैं ये ना समझूंगा कि तू पागल है। जे भी थारे मन में बोल दे मैं समझ जाऊंगा छोटे। थैंक्स भाई साहब। हाँ बता दे भाई साहब, गोविंद को बचाते हुए जब से मुझे सर पे चोट लगी है ना तब से मुझे एक ही सपना बार बार दिखाई दे रहा है कि मेरी और आपकी लड़ाई हो रही है। आपको भी सुनकर अजीब लग रहा है ना, बस इसीलिए तो मैं भी इतना परेशान हूं। लड़ाई ऐसा क्या देखा तूने? कुछ ठीक से तो याद नहीं है भाई साहब, लेकिन भाई साहब क्या सचमुच हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी? शायद इसी जगह हम दोनों का झगड़ा हो रहा था, मैं आपको मार रहा था और फिर अचानक पद्मा भाभी साहब बीच में आ गई और उन्होंने मुझसे आपको छोड़ने की गुहार की।
भाई साहब छोड़ूंगा नहीं। क्या हो रहा है मदर साहब? छोड़ेगा? क्या हो रहा है साहब? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। रणवीर की आताश वापस तो नहीं आ गई?